Good morning, students. Today I am going to teach you about synthetic fibers and plastic. Synthetic fibers and plastic के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसको जो है हम लोग आगे जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे पॉलीमर के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, है ना. तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में क्या क्या आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं, हमारे प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं. थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, वो इजिली हम लोग रीयूज कर सकते हैं, उसका मेल्ट कर सकते, मेल्ट करेंगे वो इजिली बेंड हो जाएगा और बेंड होकर जो है हम लोग उसका दूसरा यूज कर सकते हैं. लेकिन हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो क्या होता है, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, मतलब रीयूज नहीं कर सकते. एक बार जो बन गया सो बन गया, दोबारा फिर उसका हम लोग मेल्ट कर दोबारा कुछ भी चीज नहीं बना सकते, क्योंकि वो बर्न हो जाता है, बर्न होकर वो खत्म हो जाता है. हम देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में आखिर क्या आते हैं. तो थर्मोप्लास्टिक में जनरली जो है हमारे पीवीसी पाइप, पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड. पीवीसी का हमारा फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये जो होता है पीवीसी, वाटर पाइप घर में देखते हैं कि पाइप वगैरह जाता है पानी की टंकी से, है ना, जो वाटर टंकी होते हैं उससे कनेक्टेड होते हैं. और बहुत सारे मतलब हर पार्ट में जहां आपको लगता है कि वहां आपको वाटर चाहिए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से पानी जो है वो पहुंचाते हैं. तो वो जो हमारा पाइप जो होता है वो पीवीसी मटेरियल का बना होता है, वो हमारा पीवीसी का होता है. नेक्स्ट है हमारा पॉलीथीन. पॉलीथीन जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं पॉलीबैग्स, है ना, पॉलीबैग्स हम लोग जो है वो जनरली यूज करते हैं. पॉलीथीन वगैरह मार्केट में जाते हैं तो कोई भी हम लोग जो है सामान लेते हैं, कोई भी गुड्स लेते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग पॉलीबैग बांधते हैं कि पॉलीबैग दीजिए, तो इसमें हम जो है वो लेकर जाएंगे. उसके बाद है पेट. पेट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, पेट का फुल फॉर्म पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट. पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट इसका हमने बताया था. इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, जनरली जो है हम लोग इसको घर में यूज करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखने के लिए, है ना, इको फ्रेंडली होता है. हमारा वाटर बोतल जिससे हम लोग पानी पीते हैं वो भी हमारा क्या होता है, पेट का बना होता है. सो हम लोग आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आते हैं मेलामाइन. मेलामाइन जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि जो इसका एक बार यूज हो गया फिर दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते. सुबह टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी हमारा क्या है, एक बार जो यूज कर लिए सो कर लिए, दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. फिर हमारा बेकेलाइट. बेकेलाइट भी क्या है, एक बार जो हम लोग यूज कर लिए सो कर लिए, दोबारा हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते. तो मेलामाइन में क्या आता है, तो मेलामाइन में देखते हैं जैसे कुकर घर में देखते होंगे, यूटेंसिल्स होंगे, कुकर होंगे, तो उसका जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का होता है, वो हमारा जो होता है मेलामाइन का बना होता है. सॉसपेन जो होता है उसका हैंडल जो ब्लैक कलर का होता है वो भी हमारा क्या होता है, वो मेलामाइन का बना होता है. यानी हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स कह सकते हैं, जैसे कुकर हो गया, सॉसपेन हो गया, है ना. अब पैन भी आ रहा है तो साइड में जो होता है वो लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, जो होता है हमारा मेलामाइन का बना होता है. तो आखिर वो चीज जो है मेलामाइन का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है जनरली जो है हमारा क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो क्या होगा, वो जो है वो हीट को जो है वो कैरी नहीं करता है, और हीट को कैरी नहीं करेगा तो हम लोग आसानी से जो है वो इजिली जो होता है उसको पकड़ सकते हैं. उसके बाद हमारा टेफ्लॉन. टेफ्लॉन में क्या होता है कि नॉन स्टिक कोटिंग फॉर पैन एंड अदर कुकर. देखते हैं नॉन स्टिक आजकल यूटेंसिल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पैन आ रहे हैं, है ना, सॉसपेन आ रहे हैं, ये तवा आ रहा है, सारा कुछ जो होता है वो नॉन स्टिक आ रहा है. तो नॉन स्टिक आने का जो होता है मेन रीजन ये है कि क्या होता है, उस पर वो जो होता है वो हीट ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं करता, और ज्यादा हीट एब्सॉर्ब नहीं करता है तो क्या होता है वो जलता, उसमें कोई भी सामान जो है वो जल्दी जलता नहीं है ना. तो टेफ्लॉन का नॉन स्टिक कोटिंग किया जाता है उस पर,
उसके बाद हमारा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है जैसे इलेक्ट्रिक घर में जो होता है इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह जो होता है हमारा, वो सारा बेकेलाइट का बना हुआ होता है। देखते हैं कि जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो जल जाता है, तो जल जाता है तो क्या होता है वो जो होता है बर्बाद हो जाता है, फिर से हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह जो है, प्लग्स वगैरह जो है, वो सारा चीज जो है वो ये बेकेलाइट का बना होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जनरली प्लास्टिक का जो है वो हर चीज का, हर थिंग्स का दो कैरेक्टरिस्टिक, एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है। तो प्लास्टिक का भी वही है, कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है प्लास्टिक का? तो प्लास्टिक जो होता है जनरली जो होता है वो नॉन रिएक्टिंग इन नेचर होता है। कुछ प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिंग इन नेचर होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, आसानी से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं उसको यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लास्टिक क्या होता है? वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है ना। क्या होता है ये? ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल लंबे समय तक चलता है। फिर क्या होता है हमारा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो जहां पे हमको जो है अगर हीट का काम पड़ना है तो वहां पर हम प्लास्टिक का यूज कर लेंगे। वैसे प्लास्टिक का जो कि हीट हीट जो होता है वो कैच ना करे, है ना। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता। तो ये सब जो है हमारा जो है प्लास्टिक का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है? ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है, है ना। ये लकड़ी के बने हुए सामान को क्या कर दिया है? वो रिड्यूस कर दिया है, घटा दिया है। लकड़ी का जो होता है वो यूज कम हो गया है प्लास्टिक के आने की वजह से, और जो होता है हमारा जो है वो पेड़ वगैरह जो है वो बच रहा है। हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट जो है, प्लास्टिक का जो है वो एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले जो है हम लोगों को पता करना होगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो सिंपल सा बात है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि हमारा जो है वो नेचर में जो होता है वैसा सब्सटेंस जो कि नेचर में जो होता है सॉइल वगैरह में जो होता है आसानी से जो है वो मिल जाए, है ना, वो डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो डिकम्पोज नहीं होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आते हैं। जैसे प्लास्टिक में ले लीजिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ये हमारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, है ना। ये क्या होते हैं? प्लास्टिक कोई भी होता है जो कि आसानी से जो होता है वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसको डिकम्पोज नहीं होता है। तो डिकम्पोज नहीं होता है तो ये हमारा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में है। जैसे वेजिटेबल पिल्स ले लीजिए, वेजिटेबल हम लोग खाते हैं तो वेजिटेबल का जो पिल्स हो गया, पिल्स मतलब होता है छिलका, तो जो उसका हो गया वो क्या होता है? वो आसानी से जो होता है उसको डाल देते हैं अगर मिट्टी पे तो आफ्टर सम टाइम्स, है ना, सम डे वो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है मिट्टी में। कुछ पेड़ वगैरह भी हैं, सारे पेड़ गिरते हैं, गिरने के बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो सारे सब्सटेंसेस क्या है हमारे? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हमारे एनवायरमेंट में कोई भी नुकसान ना करे और आसानी से जो है वो डिकम्पोज हो जाए, वो हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और वैसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना, बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैस रिलीज होता है, हमारे एनवायरमेंट को क्या करता है? वो हार्म करता है। वैसे सब्सटेंस जो है हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो प्लास्टिक का एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लास्टिक का, आई थिंक जो है आप लोगों को इसके वजह इससे जो है वो समझ में आ गया होगा।
क्या कि प्लास्टिक का एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि प्लास्टिक जो है वो क्या करता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज नहीं होगा तो सॉइल पॉल्यूशन करेगा, सॉइल पॉल्यूशन करेगा अगर जो है हम लोग उसको बर्न करते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन करेगा, एयर पॉल्यूशन करेगा तो फिर जो है वेरियस डिजीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज का जो है हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि ये 4R प्रिंसिपल क्या है। 4R प्रिंसिपल क्या है? 4R प्रिंसिपल जो है जनरली जो है हमारा रिड्यूस, रियूज, रिकवर और रिसाइकल। हमारे प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट में ही आते हैं। आखिर जो है प्लास्टिक जो है अगर इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को तो आखिर क्या स्टेप हम ले कि जो है हमारे एनवायरमेंट को वो इफेक्ट ना करे। तो इसको ये प्लास्टिक जो है कोई भी इफेक्ट ना करे हमारे एनवायरमेंट पे, तो उसके लिए जो है हम लोग 4R प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। 4R प्रिंसिपल मीन्स रिड्यूस, रियूज, रिकवर, रिसाइकल, है ना। यानी क्या करेंगे, प्लास्टिक का हम लोग जो होता है वो क्या करेंगे, वैसे प्लास्टिक का हम लोग कम कर देंगे यूज, जो कि इको फ्रेंडली ना हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो। उसके बाद रियूज, जितना हो सके प्लास्टिक जैसे हम लोग लाते हैं कोई भी पॉलीबैग में सामान लाते हैं तो क्या करते हैं, सामान निकालते हैं और पॉलीबैग को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, उस पॉलीबैग को क्या करेंगे, अच्छे से रख देंगे तो बाकी जो है नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई गुड्स लाने जाते हैं उस टाइम क्या होता है, हमारा होता है पॉलीबैग जो होता है वो हम लोग उसको फिर से रियूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रिकवर। ये प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, है ना। उसके बाद है हमारा रिसाइकल। प्लास्टिक जो होता है, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं जो हमारे रिसाइकल हो जाते हैं उनको फिर से हम लोग रिसाइकल में डाल देंगे और फिर से हम लोग उसका दूसरा यूज कर देंगे। तो इस चैप्टर में आपका जो है इतना ही था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, है ना। तो इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया फाइबर, फैब्रिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या आते हैं, तो नायलॉन आते हैं, रेयॉन आते हैं, टेरेलिन, पॉलिस्टर, है ना। ये सब सारे क्या है हमारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है। उसके बाद जो होता है हमने आपको जो फिर प्लास्टिक के बारे में बताया, प्लास्टिक क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, है ना, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में क्या क्या आते हैं उसके बारे में, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड नोट्स हैं, क्वेश्चन है, वो आपके ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।